घनश्याम डाक यात्रा को लेकर समिति के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने 27 फरवरी को निकाली जाने वाली डाक यात्रा को लेकर तैयारियां की। आगरा में खाटू श्याम बाबा की दूसरी डाक यात्रा 27 फरवरी को भव्य तरीके से निकालने की तैयारी की जा रही है। उसी डाक यात्रा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम आस्था परिवार के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में 27 फरवरी को निकलने वाली डाक यात्रा की योजना बनाई गई। मीडिया से बात करते हुए श्याम आस्था परिवार के सदस्य ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी दूसरी डाक यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 27 फरवरी को जीवनी मंडी स्थित खाटू श्याम मंदिर से सुबह 8 बजे शुभारंभ होकर खाटू श्याम मंदिर निज मंदिर जयपुर पहुंचेगी और वहीं पर इसका समापन किया जाएगा। वहीं श्याम आस्था परिवार ने सभी श्रद्धालुओं से डाक यात्रा में सम्मिलित होने की अपील की। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। दानी श्री श्याम आस्था परिवार, किस तरह से 27 तारीख का कार्यक्रम होने जा रहा? ये हम चाहते हैं कि ये विशाल रूप में सब इसमें श्याम प्रेमी इसमें सब अच्छे से मतलब सब जुड़े, सब श्याम प्रेमी इसमें जुड़े और अपना जो भी सहयोग वो देना चाहें, तन मन धन से जो भी अपना सहयोग देना चाहें वो उसमें सम्मिलित हों सब। और इसमें दो निशान ये बाबा के चलेंगे, एक तो बालाजी महाराज का और एक श्याम बाबा का। केंद्र वर्मा जी, ये किस तरह से कार्यक्रम रहेगा ये 27 तारीख का? ये हमारा कार्यक्रम है बाबा श्याम निज मंदिर आगरा से एक डाक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रेमियों को यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ना चाहते हैं। यहाँ से पैदल यात्रा निकलेगी और अपने आगरा से भरतपुर होते हुए, जयपुर होते हुए, दौसा होते हुए ये बाबा श्याम के पास पहुँचेगी। इसमें दो निशान चलेंगे, जिसमें एक बाबा जी का होगा और दूसरे सालासर महाराज जी का होगा। एक बाबा श्याम जी के यहाँ पर निशान चढ़ाया जाएगा, दूसरा श्याम बाबा के बाहर जो मंदिर है। संजय मित्तल, किस तरह से बैठक की आप लोगों ने 27 तारीख क्या प्रोग्राम है? 27 तारीख को खाटू श्याम मंदिर जीवनी मंडी से बाबा की पैदल निशान डाक निशान यात्रा जानी है, जो निज मंदिर खाटू पहुंचेगी, जयपुर होते हुए भरतपुर होते हुए जाएगी। उसमें सभी आगरा के और आगरा के आसपास के सभी श्याम प्रेमियों से अनुरोध है और हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि वो सब लोग उसमें शामिल हों और जो जितना चलने की कोशिश करे, ज़्यादा नहीं तो बाबा की निशान को। राहुल बंसल, राहुल जी, किस तरह 27 को एक यात्रा निकलने आ रही है? 27 तारीख को हम लोग जो है डाक निशान लेके चलना चाह रहे हैं बाबा की, जिसके अंदर जो है जो भी प्रेमी अपनी कोई भी अर्जी बाबा से लगाना चाहता हो वो एक जो है पत्र द्वारा बाबा को जो है एक पत्र लिख के और उसमें डाक निशान में दे सकता है, जिससे वो जो पत्र होगा वो सीधे बाबा के पास पहुँचेगा। जिस प्रेमी ने भी पहले भी डाक निशान गई थी उसमें अपनी अर्जी लगाई थी, वो आज भी फोन कर करके बताता है कि जो उसने सपने में ही सोचा था वो उसको मिला है। तो जो भी प्रेमी इस निशान यात्रा में जुड़ना चाहता हो, उसका किसी भी मंडल से हो या बिना मंडल का हो, कहीं भी हो, वो इस निशान यात्रा में जुड़ सकता है, शामिल हो सकता है 27 तारीख को खाटू श्याम जी मंदिर। मैं सोनू गोयल, श्याम दरबार आगरा, श्री श्याम आस्था परिवार से। किस तरह की बैठक करी है आप लोगों ने आज? हम लोगों ने जो बैठक करी है, हमारा अभी 17 नवंबर को सन 2021 में जो उत्सव हुआ था उसका बहुत सफलतापूर्वक रहा, सभी प्रेमियों का, सभी नगरवासियों का बड़ा सहयोग रहा उसका, और बाबा का विशेष सहयोग बाबा खाटू से आया, उसका आभार व्यक्त हम करोना महामारी के कारण से हम यात्रा थोड़ा डिले करी हमने, अब वो बाबा ने हमें प्रेरणा दी, बाबा की कृपा हुई, ये डाक निशान यात्रा दूसरी डाक निशान यात्रा बाबा ने हमें सौभाग्य दिया जो जा रही है। जो यात्रा है वो 27 तारीख को सुबह 8 बजे से श्री श्याम मंदिर, श्री खाटू श्याम जी मंदिर जीन की मंडी से प्रारंभ होगी और वो यात्रा अपने ये जयपुर रोड होते हुए खाटू जाएगी, जिसमें डाक निशान यात्रा का मतलब ये होता है कि जितने भी प्रेमी जाएंगे, चाहे कोई 1 किलोमीटर चलना चाहे उसके बाद गाड़ी में बैठ जाए, दो निशान कंटिन्यू बाबा के चलते रहेंगे, वो कभी नहीं रुकेंगे, एक बालाजी का, एक श्याम बाबा का। बालाजी का जो निशान है वो बालाजी के मंदिर पर चढ़ेगा खाटू के बाजू, बालाजी का। दिल्ली में